हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो ये कटहल की सब्जी है। ये खाने के लिए बड़ा अच्छे होते हैं, बरसात के समय में खाना चाहिए। आज हमारे यहाँ बारिश दे रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा बगीचे से एक कटहल तोड़ के लाई हूँ, जो आपने कभी ये खाए नहीं होंगे। ये बिल्कुल छोटे होते हैं, खाने के लिए मज़ेदार होते हैं। इसको एक बार आप बना के खाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे लगते हैं। अभी चलिए इसके लिए क्या क्या चाहिए हम देखते हैं। इसके लिए मुझे एक कटहल चाहिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये इसके बीच आए छोटे छोटे, इस तरह के कटहल चाहिए। इसको मैंने काट के धो के रख दी हूँ। और इसके लिए फिर आलू चाहिए एक बड़े साइज के, एक बड़ा साइज का प्याज, दो हरी मिर्च, दो लाल मिर्ची, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी पाँच फूरन, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें अदरक लहसुन और मैंने पका हुआ जो मिर्ची थी उसको मैंने पीस के रखा हूँ। इसको चाहिए चल। अब इसको मैं एक कुकर में एक सीटी लगा के बॉईल कर लेती हूँ। मैंने ये कटहल नमक डाल के कुकर में एक सीटी लगा के पानी से निकाल के रखी हूँ। और चूल्हा में मैंने गैस में तेल रख दी हूँ कढ़ाई में। अब इसमें मैं पहले आलू जो काट के रखी थी इसको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ थोड़ी देर। इसको नमक डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको आलू को मैंने फ्राई कर लेना है। ज़्यादा नमक नहीं डालना है इसमें, थोड़ी सी ही डालना है। इसको इसे फ्राई कर लेते हैं, थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। ये मेरे आलू भून चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। एक बटन में इसको निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा लाल लाल हो जाए तो इसको उतार देना। इसी तेल में फिर मैं एक तेज पत्ता डालती हूँ, थोड़ी सी पाँच फूरन, इसको थोड़ा भून लेते हैं। इसमें दो हरी मिर्च डाल देते हैं, प्याज डाल देती हूँ इसमें, प्याज को भी थोड़ा भून लेते हैं। थोड़ा भून लेते हैं ताकि ये थोड़े से गुलाबी कलर हो जाए। अब हमारे प्याज भून चुके हैं, अब इसी में मैं अदरक लहसुन और लाल मिर्च पीस के रखी थी इसको ले देती हूँ। इसको भी थोड़े भून लेते हैं हम, ताकि इसकी कच्चापन दूर हो जाए। भून चुके हैं अदरक लहसुन, इसका कच्चापन चला गया। अब इसमें मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी गोला मिर्च, मिर्च फिर काली मिर्च, फिर लाल मिर्च पाउडर, इसको मिला लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी, और स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा थोड़ी कम ही डालना है, ताकि मैंने नमक डाल के इसको बॉईल करी थी कटहल को, इसीलिए थोड़े कम डालना है। अब इसमें मैं कटहल जो बॉईल करके रखी थी इसको डाल देती हूँ। इसको 2 मिनट में भूनने के लिए रख देती हूँ। इसको थोड़ा हिला दिया मैंने और थोड़ी देर इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। ये थोड़ा फ्राई ज़्यादा करने से अच्छे बनते हैं। ये हमारे कटहल भून चुका है, ये तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब ये भून गए, ये भून चुका है। अब इसमें मैं जो आलू फ्राई करके रखी थी इसको डाल देते हैं, फिर इसको थोड़ी देर भुना देते हैं। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, ताकि ये मैंने आलू पहले भून के रख दी थी,
इसको ज़्यादा नहीं भूनना, एक साथ थोड़ी सी मिला देना बस। ये हमारे कटहल और आलू भून चुके हैं, अब इसमें थोड़ी सी पानी डालूंगी, गर्म पानी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी डालूंगी ताकि मसाला इसमें घुल जाए अंदर। बस इतनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर ऊपर से गरम मसाला थोड़ा डाल देती हूँ। इसको मिला देते हैं, ये खाने के लिए बड़ा टेस्टी बनते हैं, ये कलर भी अच्छा हो जाता है। अब इसको मैं मसाला इसके अंदर घुस जाए तब तक मैं 2 मिनट ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारे कटहल की सब्जी बन गए, ये इसमें मसाला वगैरह घुस गए, ये मिल गए, ये देखिए ये हमारे बन गए कटहल की सब्जी बन के तैयार है खाने के लिए। इतने अच्छे खुशबू आए हैं इसकी गरम मसाला की। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं गैस। ये हमारे कटहल की सब्जी बन के तैयार हो गए, ये बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है खाने के लिए। इसको आप भी बनाइए, एक बार खाइए बना के, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगे ये खाने के लिए। और मैं चलती हूँ अभी खाने के लिए और आप बनाने के लिए शुरू कीजिए। बाय।